पकड़ लिया करो। और ये देखो, ओए 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 मासी, भाई जस्ट व्यू चेक कर लो, सनसेट के टाइम क्या मस्त नजारा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद माय अनदर वीडियो। सो कैसे आप लोग, आई होप कि सभी अच्छे हो। एंड आज बहुत सुबह उठ चुके हैं भाई, 6 बजे उठ गए थे और अभी तो फिलहाल बज रहे हैं 7:30 बज चुका है। क्योंकि इतना सुबह उठे थे क्योंकि बहुत दूर जाना है, बहुत दूर मतलब जैसे मैं यूजुअली अप एंड डाउन करता हूँ कोलकाता, तो यहाँ से तो 350 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन आज अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ जा रहा है दीपांजन भाई। ओके सो भाई बंगाली में ब्लॉग करता है, सो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको चैनल का नाम बता देंगे। ओके और भाई आज चलाएगा मेरा बेनेली टीयर के 502 और मैं अपना जिक्सी लेकर जा रहा हूँ। और कोलकाता पहुँच के वहाँ पे S1000RR में वीडियो बनाना है और उसका काम भी है बहुत। सो चलिए अभी निकलने का टाइम है, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। ओके और बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना है। सो मिलते हैं एकदम आपसे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। सो गाइज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और चलो हम लोग निकल चुके हैं भाई। सो पहले फ्यूल अप करेंगे पेट्रोल पंप में और उसके बाद टायर प्रेशर चेक करवाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। जब भी बाइक लेके निकलते इट्स ऑलवेज नेसेसरी कि एयर प्रेशर हर टाइम भाई चेक कर लेता हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है भाई कि थोड़ा बहुत एयर प्रेशर कम है, दैट्स व्हाई फ्यूल अप कर लेते हैं भाई। सो फ्यूल अप कर लिए हम लोगों ने भाई दोनों ही बाइक्स में। अभी हाईवे पे आ गए भाई, अभी थोड़ा आराम मिलेगा राइड करके। लेकिन जैसे मैंने बोला है यहाँ से फराक्का तक भाई कभी कभार ट्रैफिक मिलेगा और उसके बाद फराक्का के बाद आराम है भाई राइड करके। और ये जा रहा है भाई मेरा बम्बल भी देखे दीपांजन भाई का भी एक्सपीरियंस है हाईवे राइड पे। हाईवे राइड पे मतलब भाई एक बार या दो बार शायद गुरुदंगमर जा चुका है और एक बार शायद दार्जिलिंग जा चुका है, तो भाई का भी लॉन्ग ट्रिप करके थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो गाइज अभी फराक्का क्रॉस किए एंड मैंने फराक्का बैरेज का वीडियो नहीं किया क्योंकि इट्स अगेंस्ट द रूल्स, दैट्स व्हाई। एंड भाई दिस रूल शुड बी फॉलोड, इसलिए वीडियो नहीं किए। এদিক ওদিক দেখো একটু লুকিং গ্লাসে ইয়ার, তবু আঙ্কেল মতলব আঙ্কেল হ্যাঁ কি ভাই হ্যাঁ মুঝে পতা নেই হ্যাঁ ভাই লুকিং গ্লাস যেই ফলো কর রা থা এসে এসে মতলব পিছে নেই দেখ রা কি বাইক আ রা হ্যাঁ কি কোই গাড়ি আ রা হ্যাঁ মানে ফির বোলা উসকো কি লুকিং গ্লাস ফলো কর লিয়া করো। আর ইয়ে দেখো ওই 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 মাসি আরে মাসি একটু দেখে পার হতে বলো, ওরও ভালো আমারও ভালো, এখনই লেগে যেত। না দেখে পার হচ্ছে, এবার লেগে গেলে তো আমাদের দোষ বলো।
कुछ नहीं समझा है कि लग जाएगा तो हम लोग का दोष। मैं जस्ट उस बाइकर के बारे में, मतलब उस अंकल के बारे में आपसे बात कर रहा था, बोल रहा था, तब भी अचानक यार, मतलब गाइस, मतलब जब रोड पे निकलते हैं, लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं सामने। मैं सोचता हूँ कि चलो कुछ ना बोले, छोड़ देते, ऐसे करके बहुत सारे जगह से मैं निकल जाता हूँ, कुछ नहीं बोलता, लेकिन क्या बोले, कभी कभार तो बोलना पड़ता है भाई। सो ये देखो गाइस, आ गए पप्पू दा ढाबा, ये भी थोड़ा 10-15 मिनट रुकेंगे भाई। भी थोड़ा रुकते हैं भाई 10-15 मिनट, उसके बाद निकलते हैं। हाँ, वीडियो हो रहा है, कैमरा ऑन है। सो गाइस, यहाँ पे ढाबा पे पहुँचने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं खाया भाई, सिर्फ रेडबुल पिए और दीपांजन शायद खाया भाई। रेडबुल। मैं जब लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ या कहीं पे लॉन्ग राइड पे जाता हूँ, ओके, तो ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं खाता हूँ। तो देखते हैं आगे जाके कहीं पे भूख लगेगा तो थोड़ा कुछ खा लेंगे, फिलहाल अभी के लिए तो रेडबुल ही ठीक है भाई। सो अभी तो भाई मेरा ड्रोन निकल रहा है बैग से, तो यहाँ पे एक ड्रोन शॉट लेंगे, ओके। सो गाइस, हम लोग थोड़ा बैठते हैं, रेडबुल पी के चिल करते हैं, और आप लोग ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए, ओके। एंड देखने के बाद कमेंट करके बताना कि ड्रोन शॉट कैसा लगा। सो गाइस, चलो फिर से अपना राइड को कंटिन्यू करते हैं। अभी भी यार 220 किलोमीटर्स बाकी है, और ड्रोन शॉट कैसा लगा भाई वो कमेंट करके बताना। ओए चलो, तो गाइस पे ये दोनों भाई था, यहाँ पे ही घर है, बहुत देर से रुका था। सो मैं जब भी जाता हूँ मीट करते हुए जाता हूँ भाई सबसे। नाम क्या है दोनों का भाई? मेरा नाम आकाश। तुम्हारा नाम? सौरभ। एकदम 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 पागल स्टोरी दिव। टाटा। बहुत प्यारे भाई थे, मुलाकात हो गया, चलो टाटा। हाँ हाँ हाँ, भाई लोग साउंड सुनना चाहता है। ठीक है एकदम, टाटा। सो भाई, जब मैं कोलकाता से मालदा या मालदा से कोलकाता जाता हूँ बाइक लेके या फिर कार भी लेके, तो कोई कोई जगह रुकना पड़ता है भाई। तो एक्चुअली बात होता है ना, ये लॉन्ग ट्रिप पे, मतलब कहीं पे अगर 200-300 किलोमीटर का राइड हो, तो वैसे तो सुपर बाइक चला के आपको तो मालूम है अगर ऐसा रास्ता मिलता है। फिलहाल तो ये रास्ता थोड़ा बहुत भी अच्छा है, आगे ख़राब मिलने वाला है, तो बहुत टायर्ड फील होता है और कभी कभार बोरिंग भी लगता है। लेकिन ऑन द वे किसी किसी भाई से मुलाकात हो गए ना, मन हल्का हो जाता है, अच्छा लगता है। सो गाइस, हमने कृष्णनगर से
एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया है, मतलब कृष्णागढ़ से NH 34 होके नहीं जा रहे भाई। यार पुलिस वाला अच्छा से दिया ड्राइवर को, क्योंकि रॉन्ग साइड से कार लेके चला है, रॉन्ग साइड से कार घुसा दिया। तो बाइक ठीक है, बाइक का भी स्पेस मिल जाता है, लेकिन कार का तो नहीं मिलता है ना, दैट्स व्हाई। এই শুনো না, কলকাতাটা ধরবো আগের থেকে বাদিকে নাকি কলকাতাটা ধরবো? হ্যাঁ থেকে, হ্যাঁ বাদিকে। আচ্ছা সামনের মোড় থেকে কতটা হবে এখান থেকে? হাফ কিলোমিটার, ঠিক আছে। সেই তো রেল ক্রসিং মে আগে গেট পর যেতা হয় তো লম্বা লাইন লাগ যেতা হয় ইস সাইড ভি বোথ সাইডস, আর আগে খুলনে কে টাইম অপোজিট সাইড সে আপ গাড়ি ঘুষা দোগে তো জ্যাম তো লাগেগা ই ভাই। सो गाइस, इस वजह से आप लोग देख रहे हो रोड काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा है मतलब बहुत ही अच्छा है। सिंगल लेन है फिर भी रोड बहुत ही ब्रॉड है भाई। गाइस अपना सफ़र तो जारी है भाई, और अभी भी 80 किलोमीटर्स बाकी है। तो अभी जैसे चला रहे मानो कि इस रास्ते पे भी 80-90, तो कुछ देर बाद स्पीड में नहीं चला सकेंगे क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, कुछ देर में बस अंधेरा होने वाला है। तो एज यू नो ऑटोमेटिकली स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ नाइट मैं ज़्यादा एग्रेसिवली राइड नहीं करता हूँ। होपिंग कि 6:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, देखते हैं। और ये देखो गाइस सनसेट के टाइम क्या मस्त लग रहा है। ओ भाई जस्ट व्यू चेक कर लो, सनसेट के टाइम क्या मस्त नज़ारा है। सीरियसली यहाँ पे तो एक क्लिक बनता है भाई, स्टोरी डालूँगा। सीरियसली गाइस बहुत ही मस्त लग रहा है, तो देखते हैं, क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्लिक करके स्टोरी डाल दिया भाई, सो बहुत ही मस्त आया पिक्चर। जस्ट यहाँ से क्लिक किए, एकदम सनसेट के टाइम था भाई। तो गाइस जो भी मैं स्टोरी डालता हूँ, ये पोस्ट करता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम आईडी में डालता हूँ, देखिए स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है BMW राइडर हीरोक, तो काइंडली फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सब अपडेट सब पोस्ट मैं इंस्टाग्राम में वहीं पर डालता हूँ भाई। अबाउट 70 किलोमीटर जाना है भाई। सो गाइस अभी डानकुनी आ चुके हैं, ये मतलब बीच में रिकॉर्डिंग नहीं किए क्योंकि भाई अंधेरे में रिकॉर्ड करके कोई फायदा नहीं है, वैसे हाईवे पे तो लाइट मिलने वाला नहीं है। हर सिटी में क्या होता है, सिटी राइड में इवनिंग में भी अच्छा फुटेज आ जाता है, एज बिकॉज मेरा तो GoPro 9 है भाई, तो इवनिंग के टाइम में रात के टाइम में भी फुटेज अच्छा आ जाता है। लेकिन अगर हाईवे पे हो तो तब एकदम लाइट नहीं है, दैट्स वाई रिकॉर्डिंग नहीं की है। और अभी देखो मैं यार वाइजर उठा के राइड कर रहा हूँ और पूरा डस्ट मेरे मुंह के नाक के अंदर भाई जा रहा है, एज बिकॉज मेरा तो ये रेनबो वाइजर फिटेड था, दैट्स वाई भाई इतना डस्ट है। देखो रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को कैसे दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं।
गए भाई घर के नज़दीक, तो यहाँ से और 2 किलोमीटर है और यहाँ पे मुझे आधा घंटा रुकना पड़ा क्योंकि भाई गुम हो गया था। सो भाई दूसरा लेन पकड़ लिया था और मेरा फ़ोन भी तो स्विच ऑफ था, तो मैंने देखा कि वो दूसरा रूट से चला गया। मैं यार सोचा कि गया काम से हो गया। सो गाइस पहुँच गए एंड द डे वॉज गुड। तो भाई वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड देयर इज़ अ सरप्राइज टू कम। बस कुछ दिनों का ही वेट है भाई, सो उसके बाद ज़रूर बोलेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल नीडल। सो गाइस स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय बाय, लव यू ऑल। Thank you.